गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अभी तक हम लोग दो मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड था एलिमिनेशन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। ए टू एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहां पर आप लिख लोगे x, यहां लिख लोगे आप लोग y और यहां लिख लोगे आप लोग 1। अब क्या करोगे, अब जो x के नीचे क्या करोगे, जो y का कोफिशियंट है, y का कोफिशियंट क्या है, b1 b2। उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म c1 c2, फिर यहां लिखोगे a1 a2, देन यहां लिखोगे फिर से b1 b2। तो अब क्या होगा, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। क्या किया, b1 का मल्टीप्लाई c2 से, तो b1 इंटू c2 माइनस b2 का मल्टीप्लाई c1 से, तो b2 c1। उसके बाद y अपॉन फिर से वही, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो क्या हो जाएगा c2 a1 इक्वल 1 अपॉन फिर से वही a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, आप लोग x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू क्या करोगे, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहां से आपके पास x वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। सिमिलरली अगर मैं अब मिलता हूं y को, तो y के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। फिर से करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी x और y की इस तरह से। ठीक है, यहां पर आपके ए बी सी ये सब आपके क्या है, कॉन्स्टेंट, तो आप वैल्यू पुट करोगे और यहाँ पे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है 2x plus 3y minus 7 equal to 0। सेकंड इक्वेशन है 2x minus y minus 3 equal to 0। फिर से वही x y 1। चलो तो देखो ये हमारा क्या है, a1, ये हमारा b1 और ये हमारा क्या है c1, ये हमारा a2। यहां पे 1 मान के तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास b2 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा c2। चलो तो यहां बताया था मैंने, यहां पे फॉर्मूला था b1 b2, तो b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू माइनस 1, यहां पे c1 माइनस 7, c2 की वैल्यू माइनस 3। यहाँ पे आपका था ए वन, तो ए वन भी 2 है और ए टू भी 2। उसके बाद फिर से बी वन, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 1। सॉल्व करने के लिए एक्स अपॉन क्या बताया था, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इससे, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 से, माइनस वन और ये माइनस सेवन इक्वल वाई अपॉन इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस सेवन इंटू टू माइनस माइनस थ्री इंटू टू इक्वल वन अपॉन टू इंटू माइनस वन माइनस टू इंटू x अपॉन 3 इंटू माइनस 3 माइनस का 9
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का सेवन और यहां से आ गया माइनस, तो क्या बन गया ये माइनस का सेवन इक्वल वाई अपॉन माइनस सेवन इंटू टू माइनस का फोर्टीन, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का थ्री टू जा सिक्स इक्वल वन अपॉन माइनस टू और माइनस का सिक्स। सॉल्व करते हैं तो एक्स अपॉन माइनस नाइन और माइनस सेवन माइनस का सिक्सटीन इक्वल वाई अपॉन माइनस फोर्टीन प्लस सिक्स तो माइनस का एट इक्वल वन अपॉन माइनस का एट। अब क्या किया एक्स अपॉन माइनस सिक्सटीन इक्वल टू मैंने लिया वन अपॉन माइनस का एट, इससे ये कैंसिल तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा सिक्सटीन अपॉन एट, तो एक्स की वैल्यू यहां से आ गया आपके पास टू क्योंकि एट टू जा सिक्सटीन। वाई अपॉन माइनस एट इक्वल टू वन अपॉन माइनस एट, तो वाई इक्वल टू माइनस एट अपॉन माइनस एट से एट कैंसिल तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, तो आपके पास दो आंसर आ गए। तो ये आपका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके थैंक यू क्लास।